हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर एके सिंह और आज बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिटिकल साइंस की वीडियो है। यानी कि जितने भी हम टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी का टीजीटी की और पीजीटी की और राजस्थान के आरपीएससी की जितनी भी तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे पॉलिटिकल साइंस की, भारतीय पॉलिटिकल साइंस की एक तरह से जान, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, जिससे हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और वही उसी के बेस से हमारा भारत बना हुआ है। यानी कि आप देख लीजिए, रिट देख लीजिए, किसी भी चीज़ को ले लिए, संविधान इम्पोर्टेंट है और पॉलिटिकल साइंस के लिए भी संविधान इम्पोर्टेंट। तो यही एक महत्वपूर्ण है और इसी से आपसे लाखों क्वेश्चन मिल जाएंगे। यानी कि छोटे छोटा क्वेश्चन भी आपको यहाँ से मिलेगा। पंचायती राज हो गया कि पंचायती राज में कौन सा कानून है, नागरिकता में कौन सा कानून है। तो इसलिए हमें आर्टिकल और भारतीय संविधान की ज्ञान भी होना चाहिए। तो चलिए आज हम चलते हैं, आज हम संविधान का पहला भाग देखेंगे, क्योंकि अगर आपको एक ही वीडियो में, यानी कि 395, कहने को 395 आर्टिकल है यानी कि अनुच्छेद है, पर उसके अंदर सब जो, जैसे कि 395 हो गया, 395 से जैसे कि 300A हो गया, इस तरह से 51A हो गया, तो इस तरह से लेके बहुत सारे, यानी कि 500 के अप्रोक्स अनुच्छेद हैं संविधान में। तो इसलिए आपको ये वीडियो 4 से 5 पार्ट में मिलेगी। एक पार्ट में आपको 50 अनुच्छेद मिलेंगे और 50 अनुच्छेद में आपको समझने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। अगर आपको एक वीडियो में सारे अनुच्छेद दे दिए जाएंगे तो आप बोर हो जाएंगे और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी और समझने नहीं पाएंगे। माइंड की कैपेसिटी होती है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझना, तभी समझ सकता है जब शॉर्ट में उस चीज़ों को समझ के, छोटा छोटा तोड़ तोड़ के जब पढ़ोगे आप ज़्यादा पढ़ पाओगे। अगर एक साथ पढ़ोगे तो कभी नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी कि संविधान का जो भाग है वो है, संविधान का भाग क्या, संविधान ही हम पूरे पढ़ेंगे आज भारतीय संविधान का। तो सबसे पहले आता है भारतीय संविधान बनने में कितना टाइम लगा, तो वो था 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है बच्चों, तो ये टाइम है 2 साल 11 महीने 18 दिन। फिर आता है भारतीय संविधान में वर्तमान में केवल 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। 25 भाग कैसे हैं, 25 भाग अभी आपको बताऊंगा। जैसे कि बहुत से 9A करके भी टोटल वैसे 25 भाग है, अगर उन्हें 9A को ना लेके चले तो 22 भाग से। ठीक है, फिर आता है जो पहले का संविधान था उसमें कितने थे, वो पहले के जब बना संविधान, मूल संविधान जिसे कहते हैं, तो उस टाइम क्या था, तो उस टाइम थे 95 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। 8 अनुसूची के बाद 9वीं अनुसूची आई है, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार के ऊपर है, 10वीं अनुसूची दल बदल के ऊपर है, 11वीं अनुसूची किसके ऊपर है, पंचायत के ऊपर है, और 12वीं अनुसूची किसके ऊपर है, नगर पालिका और उसके ऊपर है। तो ये आपको पता होने चाहिए कि क्या है अनुच्छेद, आपको पता ही चल गया 395 में और भारतीय संविधान में 22 भाग है। अब चलते हैं हम 25 भाग जो हैं, जिसमें 25 भाग हैं तो वो कैसे कैसे हैं उसको भाग देखते हैं। चलिए, भाग, विषय और अनुच्छेद आपको पता होने चाहिए कैसे कैसे हैं। तो पहला भाग है संघ और उसके क्षेत्र में, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के बारे में बात करा गया है। फिर आता है भाग 2, नगर नागरिकता के बारे में बात है और 5 से 11 के बारे में बात है। फिर आता है मूल अधिकार, यानी कि मूल जो हमारे अधिकार हैं वो, उनके बारे में आता है 12 से लेकर कहाँ तक है, 35 तक है। फिर आता है 4, राज्य की नीति निर्देश था तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये कहाँ तक आता है, 36 अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक ये आता है। जैसे ये है अनुच्छेद भाग 4A है, तो इसे भी इंक्लूड किया गया है 25 में, वैसे 22 है। ठीक है, अगर 1 2 3 4 के हिसाब से लेके चलें तो 22 है, और सब जैसे एक तरह से 4A तो मेन हो गया और 4A सब कैटेगरी में आ गया, तो उनको मिला के 22 भाग की जगह 25 भाग है, वैसे 22 भाग है। ठीक है, तो चलिए अब 4A में क्या है, मूल कर्तव्य, यानी कर्तव्य कौन से होते हैं, जो जैसे कि झंडे का सम्मान करना, इस तरह के हमें मूल कर्तव्य हैं हमारे। ठीक है, 21A में है वो। पाँचवा भाग क्या है, संघ के ऊपर है, और वो कब है, 52 से लेकर 151 तक।
पढ़ लिया हमने। छठा भाग किसके ऊपर है? राज्य के ऊपर है। तो राज्य के भाग कौन सा है? 152 से लेकर 237 तक। सातवां भाग क्या है? संविधान की सातवें संशोधन है, यानी कि 56वां अधिनियम है, यानी कि उसके ऊपर है। तो वो कब है? वो है 238। आठवां भाग है संघ राज्य क्षेत्र, यानी 239 से 240 तक। पंचायत के ऊपर है, पंचायत के भाग कौन सा है? 9। और अनुसूची कौन सी है? कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए मैं बताता हूँ, 11वीं अनुसूची है, ठीक है। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 243 से लेकर 243O तक। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है नगर पालिका। नगर पालिका का अनुसूची कौन सी है? 12। और भाग कौन सा है? 9A। और ये कहाँ से है? अनुच्छेद 243P से लेकर 243J तक। भाग 10 किसके ऊपर है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऊपर है, 244 से लेकर 244A तक। फिर आता है 11 आता है संघ राज्य क्षेत्र के बीच संबंधों के ऊपर है, 244 है 246 तक। 12 आता है वित्तीय संपत्ति और संवैधानिक वाद तक आता है, 264 से लेकर 300A तक। 301 किसके ऊपर है? जो हमारे पहले मूल अधिकार था, यानी कि संपत्ति का अधिकार था, 300A में रखा गया है। फिर आता है 300 राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समग्र के ऊपर, यानी 301 से लेकर 307 तक। भाग 4 आता है संघ राज्य क्षेत्र अधीनिक सेवा के ऊपर, यानी कि 308 से लेकर 323 तक। 14A है अधिनिकरण, यानी कि एक तरह से 323 से लेकर 300A और 300B। 15 आता है निर्वाचन के बारे में, 324 से लेकर 329A तक। भाग 16 आता है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, यानी कि 330 से लेकर 342 तक। राजभाषा आती है हमारी 343 से लेकर 351 तक। आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ राजभाषा के ऊपर भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, तो इसलिए इस चीज़ के लिए कन्फ्यूज़न मत होना। बहुत से स्टूडेंट आज भी भारत को राष्ट्रभाषा हिंदी को मानते हैं, राष्ट्रभाषा भारत की कोई भी नहीं है। तो भाग 18 आता है आपात उपबंध, यानी कि 252 से लेकर 256 तक, वो सॉरी 352 से लेकर 360 तक। और 360 किसके ऊपर है? 360 बताइए कमेंट सेक्शन में। और आज तक 360 कभी भी नहीं लगी है। अब आता है भाग 19। भाग 19 कहाँ तक से लेकर है? 361 से लेकर 367 तक। संविधान संशोधन अनुच्छेद क्या है? तो आपको पता होगा संविधान संशोधन अनुच्छेद कहाँ तक है, का भाग कौन सा है? 20वां। आगे चलते हैं संविधान, सॉरी भाग 21 का इसके ऊपर है अस्थायी संक्रमण, यानी कि कालीन विशेषताओं के ऊपर, 369 से लेकर 392 तक। संक्षिप्त नाम प्रभा हिंदी के प्रभावीकरण पाठ्यक्रम निश्चय के बारे में होता है, अनुच्छेद सॉरी भाग 22। और लास्ट भाग है अनुच्छेद कौन कौन से है? 393 से लेके 395 तक। तो इस तरह से भारतीय संविधान में भाग कितने हैं? 22 भाग हैं, अनुच्छेद कितने हैं? 395 तक हैं, और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है बच्चों। तो इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए था। अब आते हैं, शुरुआत करते हैं हम अपने संविधान की, यानी कि संविधान में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक शुरू हो रहे हैं। तो चलिए पहला पढ़ते हैं भाग एक। भाग एक में कौन कौन से अनुच्छेद हैं? भाग एक में 4 अनुच्छेद हैं, यानी कि अनुच्छेद कौन कौन से हैं? पहला है संघ के नाम और राज्य के क्षेत्र के बारे में बताता है, यानी कि संघ के नाम के बारे में और राज्य क्षेत्र के बारे में कौन सा बताता है? पहला अनुच्छेद बताता है। दूसरा अनुच्छेद बताता है नए राज्यों के प्रवेश की स्थापना, कि नए राज्यों की स्थापना कैसे कैसे करी जानी है, तो उसके बारे में बताता है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या निरस्त है? अनुच्छेद 3 क्या है? 3 क्या बताता है? नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्य के क्षेत्र में सीमा या नाम में परिवर्तन कैसे करा जाएगा? जैसे कि आपने देखा होगा कि तेलंगाना बना, ये किस तरह से नाम निर्माण होंगे, और किस जो नए राज्य बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, उनके नाम में परिवर्तन कैसे करा जाता है। फिर आता है अनुच्छेद 4।
पहली अनुसूची से लेकर और चौथी अनुसूची के संशोधन के से परमाणु संयंत्र विषय के उपबंध के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाए गए। यानी कि सीधे सीधे घुमा फिरा के बात कही गई है कि जो पहला अनुच्छेद है ये वाला, ठीक है, और जो चौथा अनुच्छेद है उसकी बात दूसरे और तीसरे में कहीं ना कहीं इंक्लूडिंग है। तो सीधे सीधे चारों अनुच्छेद की बात एक चौथे अनुच्छेद में कर दी गई है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या आता है, नागरिकता। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नागरिकता, आपको पता होना चाहिए भारत में नागरिकता एकल नागरिकता है, यानी कि भारत में एकल नागरिकता प्रणाली है। अमेरिका में किस तरह की नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और एकल नागरिकता और कहाँ पर है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। कई बार पूछा गया है कि भारत के अलावा और एकल नागरिकता कहाँ कहाँ है, तो भाग दो में कहाँ है नागरिकता के बारे में है। तो सबसे पहला अनुच्छेद आता है पांचवा, 5 से 11 तक है नागरिकता। तो पहला आता है पांचवा अनुच्छेद। तो पांचवा अनुच्छेद क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ यानी कि संविधान के प्रारंभ का नागरिक कौन है, यानी कि संविधान का जो प्रथम नागरिक है वो कौन है उसके बारे में बताया, यानी कि संविधान के लिए प्रारंभ पर नागरिकता है। एक तरह से आपसे पूछा कह रहा है कि संविधान के लिए प्रमुख क्या है, नागरिकता है। फिर आता है क्वेश्चन आता है कि संविधान का प्रथम नागरिक कौन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस पाँचवा अनुच्छेद किसके बारे में आया था, नागरिकता के बारे में, कि संविधान के लिए क्या है इम्पोर्टेंट, नागरिकता है इम्पोर्टेंट है। चलिए संविधान का छठा क्या कहता है, पाकिस्तान में भारत के प्रवास करने वाले कुछ व्यक्ति जो नागरिकता के अधिकार हैं, यानी कि जो कुछ व्यक्ति जो है नागरिकता के अधिकार में है। अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान के प्रवजन करने वाले कुछ व्यक्ति जो नागरिकता के अधिकार हैं। 8वां अनुच्छेद क्या कहता है, भारत के बाहर रहने वाले कुछ व्यक्ति नागरिकता के अधिकार में हैं, यानी कि जैसे दूतावास होगा इस तरह के जो बात कर रहे हैं। विदेशी राज्यों में नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों को भारत की नागरिकता नहीं मिलती। ये कौन से बात मैं कह रहा है, अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 10 क्या कह रहा है, नागरिकता का अधिकार को बनाए रखता है, यानी कि नागरिकता के अधिकार को बनाए रखता है। अनुच्छेद 11 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 11 कह रहा है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनय किया जाता है। चलिए तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं कि भारत में जो नागरिकता है वो किस किस आधार पर मिलती है, पैसे देके मिलती है, संसद का व्यक्ति होना चाहिए, या फिर जन्म के आधार पर मिलती है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत में नागरिकता किसके आधार पर मिलती है। फिर आता है भाग 3, सबसे महत्वपूर्ण भाग है और इससे आपको पता होना चाहिए। जो शुरुआत के जो भाग हैं वो सारे ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे नागरिकता हो गया, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 हो गया, संघ के बारे में हो गया। फिर आता है मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ये हो गए, राष्ट्रपति हो गए। जो बाद के भाग हैं उसमें से पंचायत इम्पोर्टेंट, नागरिक ये नगर पालिका इम्पोर्टेंट है, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं और सारे इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपको पढ़ने सभी हैं क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठ सकता है। तो भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार है हमारे। तो सबसे पहला क्या कहता है, अनुच्छेद 12 राज्य के परिभाषा करता है, राज्य क्या है, राज्य के क्या है। फिर आता है अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के संघन और उनके करने वाली असंगति या अपीलीकरण की सीमा तथा विधि को शून्य करता है, ठीक है। फिर आते हैं जो अधिकार है, मूल अधिकार वो कौन से, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें आता है धर्म का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी कि 6 हैं इसमें। ये जो है एक्स्ट्रा दो बार लिखा गया है। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार जिसमें आता है कारखाने वाले बच्चों वाली बात आती है। चलिए अब आगे चलते हैं हम। तो आता है समानता का अधिकार, यानी समानता के अधिकार के बारे में कौन सी बात कर रही है। तो अनुच्छेद 14 कह रहा है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष सभी को समानता होनी चाहिए। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होनी चाहिए। 16 क्या कहता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 कई बार पूछा गया तो इसलिए स्पष्टता वाला जो अधिकार है वो आपको पता होना चाहिए।
हजार बार पूछा गया, यानी कि जितने पेपर हुए आज तक ज्यादातर पूछा ही गया। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंतर पूछा गया। अगला चलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता मिली हुई है हमें, यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, वाक्य स्वतंत्रता हमारे कब कौन से अनुच्छेद में मिली है, 19वें अनुच्छेद में मिली है। अनुच्छेद 20 में क्या क्या है, अपराधियों के लिए दोष सिद्ध करने के संरक्षण, यानी जो संरक्षण वाली बात है वो है 20 में। फिर आता है अनुच्छेद 21 सबसे महत्वपूर्ण है, प्राण देह का स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्रता का जो महत्वपूर्ण कहते हैं अधिकार है वो है 21। और 21 ए किसके ऊपर है, तो 21 ए कमेंट सेक्शन में बताइए 21 ए किसके ऊपर है। अनुच्छेद 22 आता है कुछ दोषियों में गिरफ्तार और निरोधक के संरक्षण, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि शोषण का जो विरुद्ध अधिकार है वो यहाँ से शुरू होता है आपके। शोषण के विरुद्ध अधिकार में दो आते हैं 23 और 24, यानी कि मानव दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध, और कान जो कारखाने में बालों के लिए निषेध कराया गया, यानी कि 6 से लेकर 14 तक वाली जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो आता है 23 और 24 में। फिर आते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 25वां अनुच्छेद किसका कहता है, अंतःकरण की और धर्म के अबंध रूप में मामले में आचार आचरण प्रचार और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों के प्रति स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 क्या कहता है, किसी भी स्पष्ट धर्म की वृद्धि करने के लिए, यानी कि उसे बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता दी होनी चाहिए हमें। अनुच्छेद 28 कहता है कुल शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपचार के उपस्थिति के बारे में बात कही गई है। फिर आता है सांस्कृतिक और शिक्षा के संबंध में। अनुच्छेद 29 जो अल्पसंख्यकों के ऊपर है, यानी कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण। 30 क्या कहता है, शिक्षा संस्थान में स्थापित एवं प्रशासनिक करने के लिए अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार मिलना चाहिए। 31 निरस्त है, यानी कि 31 कौन सा था आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 31 क्या कह रहा है, संपादकों को अर्जित करने के लिए उपबंध करने वाली विधियों को करना। 31 क्या कह रहा है, कुछ अधिनियम और विनियमों के विधान विधि मान्यकरण करना। 31 गय क्या कह रहा है, कुछ निर्देश तत्वों को प्रभावित करना। और 31 गय निरस्त है। आपसे कमेंट सेक्शन में पूछा एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना। जो 300 ए है अनुच्छेद, यानी संपत्ति का अधिकार, जो पहले हमारा मूल अधिकार था जैसे 7 थे, वो 300 ए यहाँ पर कौन से अनुच्छेद में था, यानी कि अनुच्छेद 31 में था, 30 में था, 29 में था, 31 के में था, तो वो आपको बताना है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है संविधान संवैधानिक उपचार का अधिकार। संविधान उपचार का अधिकार को दो चीज़ों से माना जाता है, यानी कि एक तरह से अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा, और अनुच्छेद 32 को और किस नाम से जाना जाता है। एक नाम तो आपके सामने है संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। और अंबेडकर जी ने क्या कहा था, अंबेडकर जी ने कहा था कि यह संविधान की आत्मा है, यानी कि आत्मा है। तो अनुच्छेद 32 क्या कह रहा है, इस भाग में द्वारा प्रतिनिधि अधिकारियों के प्रवृत्ति के बारे में क्या है। और इसी में रिट है, रिट किस में है, हमारी अनुच्छेद 32 में ही है। तो और रिट कितने तरह की, 5 तरह की रिट है हमारी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, आदेश, और इस तरह की जो 5 रिट है हमारी, वो 5 रिट अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 ए निरस्त है। अनुच्छेद 33 है, इस भाग के द्वारा प्रतिबंध अधिकारियों को बल द्वारा अधिकार लागू करने के उपरांत करने के लिए संसद की शक्ति का होता है। अनुच्छेद 34 कह रहा है किसी क्षेत्र में सैन्य विधि इस तरह के भाग को अधिकारी का निर्धन करना होता है। अनुच्छेद 35 क्या कह रहा है, प्रभावी करने की विधि ऊपर है, यानी कि ये सारे जो ऊपर हैं उसके बारे में क्या कह रहा है। तो अब आता है भाग 4, राज्य के नीति निर्देश तत्व। तो राज्य के नीति निर्देश तत्व जो हैं वो आते हैं भाग 4 में। पहले में राज्य के नीति निर्देश तत्व के बारे में जो परिभाषा है वो है 36 में, अनुच्छेद 36 यानी 36 में। अनुच्छेद 37 में कहता है इस भाग के अंतर विशिष्ट तत्वों को लागू करना।
अनुच्छेद 38 कह रहा है राज्य के लोक कल्याण अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। अनुच्छेद 39 कह रहा है राज्य के द्वारा अनुसरण कुछ नीति तत्वों को। अनुच्छेद 39 क्या क्या कह रहा है, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ये जो अनुच्छेद है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका ध्यान रखना जीवन में भी और एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते भी। 40 किसके बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में। 41 किसके बारे में, कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा और लोक कल्याण सहायता पाने के लिए। 42 किसके लिए, न्याय संगत और मनोविचार दिशा की प्रवेशी सहायता उत्पन्न करने के लिए। 43 किसके लिए, कर्मचारियों के लिए निर्वाचन मजदूरी। 43 के उद्योग के प्रबंध कर्मचारियों के भाग लाने के लिए। 44 किसके लिए, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। ये पूछा गया है इसलिए आपको इसका भी ध्यान रखना है कि आप किसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो दो बताए हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। 45 किसका कह रहा है, बालकों के लिए निशुल्क अनिवार्य शिक्षा। जो आप तैयारी कर रहे हैं यानी कि टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 45 भी पता होना चाहिए। 46 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दुर्लभ अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा के लिए है। 47 है पोषित जीवन स्तर के लिए उच्च यानी उठाने के लिए सुधार करने वाले। 48 जो छोटे पेपर हैं यानी कि जूनियर लेवल के पेपर हैं उसे 48 ज़्यादा पूछा जाता है। 48 और 46 जो जूनियर लेवल के पेपर हैं उनमें पूछा जाता है इसलिए आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। 48 क्या कई बार पूछा गया पॉलिटिकल साइंस के पेपर में यानी टीजीटी पीजीटी में पूछा गया, तो 48 क्या पूछा जाता है, पर्यावरण संरक्षण के संबंध के वन्य और वन्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण। यानी कि जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है वो एक तरह से इसके अधिकारी हैं। 49 राष्ट्रीय महत्व के समक्ष स्थापना के वस्तुकरण। 50 क्या कहता है, कार्यपालिका और से न्यायपालिका के प्रतिकरण। और 51 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 51 हर बार पूछा जाता है ज़्यादातर पॉलिटिकल साइंस के पेपर में, कोई भी पेपर हो एक बार घुमा फिरा के पूछ ही लेता है तो इसलिए याद रखना होना चाहिए। भाग 4 के मूल कर्तव्य हैं और 51 इसमें इंक्लूडिंग है यानी 51A है मूल कर्तव्य। तो आज जो हमारी वीडियो है वो यहीं समाप्त होगी, यानी कि आज हम यहीं देखेंगे क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ी करना आपके लिए एक तरह से याद करने के लिए मुश्किल होगा और वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो देखने का मन भी नहीं करता। सीधी बात है कि ज़्यादा बड़ी चीज़ को देखेंगे वो याद भी नहीं होगा और जो छोटी चीज़ को देखेंगे तो याद भी होगा और आप वीडियो भी आसानी से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का जो पहला भाग है, जो हमने संविधान का पहला भाग है उसमें देखे हमने 51A तक यानी भाग 4 तक मूल कर्तव्य तक देखे, और इसके बाद के जो भाग है भाग 5 से देखेंगे हम, इसके बाद के जो 50 अनुच्छेद हैं वो देखेंगे भाग 2 में। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ये पता चल जाए कि वीडियो कब आई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।